जैसे मैंने सदैव कहा है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत अग्रसर हो रहा है, भारत आगे बढ़ रहा है, और जब भारत अगर आगे बढ़ रहा है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, तो 140 करोड़ लोग एक साथ मिलकर भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने के लिए और विकसित भारत के रूप में स्थापित करने के लिए प्रधानमंत्री के साथ एक स्वर में एक साथ मिलकर चल रहे हैं। और आज उस श्रेणी में हमारे इंदौर के भी अक्षय बम जी उस तारतम्य में शामिल हो गए हैं। उनका स्वागत है, दिल के गहराइयों से स्वागत है। उस परिवार को मैं बहुत दिनों से जानता हूं। मुझे बड़ी खुशी है कि आज वो राष्ट्रवाद सोच के साथ मिलकर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी में आज शामिल हो गए। जीतू पटवारी सर 12 सीटों में से 6 जीतने का दावा। अरे भाई, जो स्थिति कांग्रेस की इंदौर में है, जो उनका गृह क्षेत्र है, क्या दावा कर रहे हैं? ये वही कांग्रेस है जो दावा कर रही थी कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। ये वही कांग्रेस है जो दावा कर रही थी कि ग्वालियर चंबल संभाग में बीजेपी के केवल 3 और 4 सीट आएंगे। दावा तो आप अपने अहंकार में कहीं भी कर सकते हैं और करते रहिएगा। जनता आपको रास्ता दिखाने के लिए उत्सुकता से तैयार है और आप सभी को घर बैठाने के लिए तैयार है। जो अहंकारी सोच कांग्रेस की हो गई है, जो एक एक वामपंथी सोच कांग्रेस की हो गई है, जो देश के इतिहास में जिन लोगों ने अपना बलिदान दिया उनको नीचे दिखाने की सोच हो गई है, जो तुष्टिकरण की सोच कांग्रेस की हो गई है, और जो आज भारत को पीछे धकेलने की सोच, इनहेरिटेंस टैक्स, लोगों का अपना कमाया हुआ की पूर्ण रूप से उनका धन जीवन भर सरकार 55% लेगी और सभी दूसरों के बीच में बांटेगी, यही तो कांग्रेस का असली चेहरा है। और देश की जनता उत्सुकता से इंतजार कर रही है हर एक फेज का, ताकि उनको बाहर का दरवाजा दिखा पाए।